नमस्कार साथियों, पीके फार्मा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम फार्मासिस्ट प्रीवियस एग्जाम में जो एमसीक्यू आए हैं उसके पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हैं और जो कि ज़्यादातर मैंने एग्जामों में आए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको किसी तरीके की कोई क्वेश्चन करने हैं या फिर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ आप ज्वाइन करके क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ही और बहुत सारे वीडियो के लिंक भी दे रखे हैं, तो आप उनको देखकर अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हो। तो जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ वाटर मोस्टली कॉमनली यूज्ड एज ए सॉल्वेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ द पेरेंटल इज। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, वाटर फॉर इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल मिक्सर इज। तो न्यूट्रल मिक्सर का एग्जाम्पल क्या है? करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगाल्ड्रेट MgOH का होल ट्वाइज और AlOH का होल ट्वाइज इज यूज एज ए। तो इसको हम किसके लिए यूज करते हैं मैगाल्ड्रेट को? तो इट इज यूज एज ए एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग रेस्पायरेटिंग ड्यूरिंग एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया में हम कौन से सपोर्टिंग गैस यूज करते हैं? तो वो है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ जिंक सल्फेट इज। जिंक सल्फेट का क्या यूज है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1, एस्ट्रिंजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज आल्सो नॉन एज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, यूसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मेजर फंक्शन क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी कैकिंग एजेंट फॉर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स इज। हाइड्रोस्कोपिक पाउडर और ग्रेन्यूल्स के लिए एंटी कैकिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं? कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुदीना कंटेंट। तो पुदीना किसका कंटेंट है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, मेंथॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी बिलोंग्स टू द फैमिली। तो आपको बताना है तुलसी की फैमिली क्या होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, एटी। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ मलेरिया इन्फेक्टिव ऑफ मॉस्किटोज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, स्पोरोजोइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मलेरिया पैरासाइट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, RBC ऑफ द इन्फेक्टेड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मॉस्किटोज रिपेलेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, DDT, डिक्लोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमन ग्रास ऑयल इज। लेमन ग्रास ऑयल क्या है इनमें से? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, वोलेटाइल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज एज ए कार्मिनेटिव्स। तो इनमें से कार्मिनेटिव के तौर पे किसे यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, फेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेड्रिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो इफेड्रिन किस में यूज करते हैं? आपको सभी को पता है। तो करेक्ट आंसर इज ब्रोंकियल अस्थमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्चिकम इज यूज टू क्योर, तो कोल्चिकम कौन से डिजीज में यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका गाउट, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनामोन बार्क इज आल्सो नोन एज, तो सिनामोन बार्क को किस नाम से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड, दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विनिन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो क्विनिन किसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, सिनकोना बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल फाइबर्स इज, तो इन चारों में से एनिमल फाइबर्स कौन सा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो किसके द्वारा स्टेबलाइज होती है, तो वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज द सिंथेसिस ऑफ, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस से किसका सिंथेसिस किया जाता है, ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल यूरिन, तो आपको बताना है कि नॉर्मल यूरिन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, हाइडली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली एल्कलाइन, तो करेक्ट आंसर होगा इसका स्लाइटली एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट, तो थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, थायरोक्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियम इज ए बोन ऑफ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, इनोमिएट बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC इज प्रोड्यूस इन, तो WBC कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, लिम्फ ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कंटेंट्स, हार्ट के लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है या इम्प्योर ब्लड होता है या लिम्फ होता है या CSF होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, प्योर ब्लड। नेक्स्ट, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन, तो क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होता है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, ल्यूकेमिया यानी WBC से रिलेटेड है, तो इसमें WBC घटेगी बढ़ेगी या क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइंड पिल्स कंटेंट्स, तो कंबाइंड पिल्स किसका कंटेंट्स होती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केज ऑफ एड्स, तो इन चारों में से एड्स का कॉज कौन सा होगा, तो ऑप्शन फोर्थ राइट होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी के द्वारा एड्स हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉजेज, तो राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी से क्या कॉज होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड, ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सीवियर कंडीशन ड्यू टू द राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज, तो मोस्टली इसमें होगा एंगुलर स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वूफिंग कफ अफेक्ट्स चिल्ड्रन, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, 0 to 1 year। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी इज, तो फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी का एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, तो करेक्ट आंसर इज कैम्फर एंड मैंथोल, ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर टाइट सील कंटेनर आर यूज फॉर, एयर टाइट सील कंटेनर किसके लिए यूज करेंगे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, इंजेक्शंस के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरियर क्रीम इज क्वाइट यूजफुल टू प्रिवेंटिंग, तो बैरियर क्रीम जो होती है वो किसको प्रिवेंट के लिए यूजफुल होती है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, इंडस्ट्रियल केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड्स इज, तो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स का एग्जाम्पल क्या होगा इसमें से? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ दी, यानी ये सभी इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन शुड बी आइसोटोनिक विथ, तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन किसके लिए होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए किसके साथ? तो लैक्रिमल सिक्रीशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ पेपाइन इन सॉफ्ट कैप्सूल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस प्रोड्यूस इज टू, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, रिमूव प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड डिटेक्टो मीन्स, तो ये एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, एज डायरेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोस्टिगमाइन ब्रोमाइड इज यूज्ड ओरली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, तो नियोस्टिगमाइन को हम किस में यूज करते हैं ओरली, किसके ट्रीटमेंट के लिए? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, पार्किंसोनिज्म, मिस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपावेरिन इज ए, तो पेपावेरिन क्या है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, वैसोडायलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन इज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन हर एक एग्जाम में आता रहता है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायोसाइन इज, तो हायोसाइन क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, या ग्लाइकोसाइड, या फिर एल्कलॉइड्स, तो आप सभी को पता होगा ये प्रोपेन एल्कलॉइड प्राप्त होता है, तो ये एल्कलॉइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक कंडीशन, साइकोटिक कंडीशन के लिए कौन से ड्रग यूज करेंगे इनमें से? तो इट इज क्लोरप्रोमाजीन, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलामाइन इज, तो कैलामाइन क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जिंक ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड का कंपोजिशन होता है कैलामाइन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। द कंपोनेंट ऑफ टैबलेट मशीन विच कंट्रोल द शेप एंड साइज ऑफ टैबलेट इज, तो टैबलेट की शेप और साइज, शेप एंड साइज के लिए क्या क्या होता है मशीन में? इट इज डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डेंड्रफ ड्रग, इसमें से एंटी डेंड्रफ ड्रग कौन सी है? सेलेनियम सल्फाइड, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन टैबलेट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज, तो विटामिन टैबलेट्स को हम कैसे बनाए जाते हैं, जनरली कैसे बनाते हैं? तो च्यूएबल टैबलेट्स के रूप में बनाते हैं। तो ये थे पार्ट सेकंड के 50 क्वेश्चन, इनमें से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और जो चैनल पे नए हैं या चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।